घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आने वाली कपाड़ा पंचायत के गांव कपाड़ा में एक बुजुर्ग दंपत्ति डर से साय में जी रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति डर के साय में जी रहे हैं। बुजुर्ग के मकान की दयनीय हालत ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। बुधवार को मानसून की पहली बारिश का पानी बुजुर्ग दंपत्ति के मकान में घुस गया। ऊपर से छत टपक रही और दीवारें जर्जर हैं। मकान की हालत ऐसी है कि वह कभी भी गिर सकता है। दंपत्ति ने प्रशासन से उनकी सहायता की मांग की है। जानकारी के अनुसार कपाड़ा में महंत राम के मकान की हालत दयनीय है। बुजुर्ग होने के कारण वे दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते जिससे वे अपने मकान की मरम्मत करवा सकें। महंत राम ने बताया कि उनके घर की छत कभी भी गिर सकती है। उन्होंने बताया कि आगे बरसात का मौसम है जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। बुधवार को हुई बारिश का सारा पानी घर में घुस गया। ऐसी स्थिति में वे बारिश में बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं। महंत राम की बेटी संध्या देवी बुधवार को मायके पहुंची। उसने बताया कि मकान की हालत दयनीय है। पंचायत से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। पंचायत में तो उन्होंने प्रतिनिधियों के कई बार इसके बारे में अवगत कराया लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उसने कहा कि उसके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चुके हैं जिससे उनकी चिंता लगी रहती है। कभी भी यह मकान गिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी सहायता की जाए। वहीं पंचायत प्रधान को जब बताया गया तो उन्होंने बताया कि मामला ध्यान में आ गया है, मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। पंचायत से जो भी संभव सहायता होगी उसे किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। मैं कांता देवी, ग्राम पंचायत कपाड़ा, महंत राम जी के घर का मामला ध्यान में आ गया है और जल्द ही मौके का जायजा लिया जाएगा और प्रशासन द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी।